Now, in spite of the threats and killings, the youth of Jammu and Kashmir refused to be cowed down by terrorists. Soldiers and policemen who have joined Indian Armed Forces have openly spoken about fighting the menace of terror in Kashmir. हाथ में पांच उंगलियां और पांचों बराबर नहीं है मैं एक ख्याल रखता हूं कश्मीर के बारे में और मेरा दोस्त एक ख्याल रखता है कश्मीर के बारे में भारत माता की जय बोल का देश से प्यार करता हूं वो ये बात नहीं बोलता है वो अलग ख्याल रखता है कुछ जो है भटके हुए लोग हैं जो भटकाए गए हैं बचपन से उनको वही मिसगाइड किया गया है उनके दिमाग में वही डाला गया कि आपको ऐसा करना है हमें आज़ादी मिलेगी बात ऐसी कि उनको ऐसे मोटिवेट किया जाता है कि आप अगर ऐसा करोगे आपको जन्नत मिलेगी आप स्वर्ग में जाओगे ऐसा उनको मोटिवेट कुछ किया जाता है क्योंकि पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता है मोटिवेट पैसे से सब कुछ किस हर किसी को नहीं खरीद सकता है दिल के अंदर उसकी दिल को जीतना बड़ी बात है कुछ लड़कों की वजह से थोड़ा माहौल ख़राब होता है कि वो बेरोज़गारी की वजह से उनके दिमाग में कुछ फतरूद आती है तो उसकी वजह से वो फौज से नफरत या हथियार हथियार उठाते तो कुछ लड़के जो पढ़े लिखे नहीं होते जो पढ़ने लिखने के वक्त कोई दूसरा काम करते हैं तो उनके दिमाग में फिर फतूर यही रहता है कि पैसे कहाँ से लाए तो इसकी वजह से वो फिर पथरा वथरा करते हैं इसकी वजह से कश्मीर की हालत ख़राब रहते हैं नहीं तो कश्मीर में हर आप देख सकते हो कि भाईचारा है आपस में भाई भाई रहते हैं हिंदू भी रहते सिख भी रहते और मुस्लिम भी रहते हर कोई जाति यहाँ पर आपको मिलेगी तो इसलिए मैं मानता हूँ कि कश्मीर जैसे जगह कोई नहीं है जन्नत है मुझे फौज में ज्वाइन करने का पहले से ही बचपन से ही शौक था क्योंकि हमारे वहाँ बहुत लड़के पहले से ही फौज में थे और जब वो छुट्टी आते थे उनका डिसिप्लिन और उनका बातचीत करने का तरीका अलग था और सिविल में जब वो बैठते थे वो अलग ही तरीके से वो दूर से ही दिखते थे कि वो फौजी है इसलिए मैं फौज में आया हूँ उनके डिसिप्लिन थे